दोस्तों, मैं एस के पटेल और आप देख रहे हैं करियर गेनर यूट्यूब चैनल। हम आज एक CRPF ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोस्ट, तो देखिए ये 9212 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ रही है। ये छोट मोट वैकेंसी नहीं है, अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेडमैन की ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। अगर जो बच्चे SSC GD में जिनका कम नंबर है वो लोग निराश हो गए थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर हम ये कहें कि ये SSC GD की तरह ही सेम वैकेंसी है तो आपको इसमें दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि सिलेबस भी सेम है और जो PT PST होता है सारी चीज़ इसमें सेम है। इसमें आपको सारी जो SSC GD में वैकेंसी होती है जिस तरह से उसका प्रोसेस होता है, टोटल प्रोसेस उसी की तरह है। इसमें आपसे सिलेबस भी सेम है, तो इस सारी चीज़ को बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आवेदन की तिथि जो है वो 27/3/2023 है, जबकि ऑनलाइन अंतिम तिथि 25/4/2023 है। तो आप लोग 27 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पहले से ही सारी चीज़ें जान ले, समझ ले अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। आपको 6 महीना के अंदर एक आपके हाथ में जॉब होगा, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट है। इसमें आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्ज़ाम कब होगा, टोटल चीज़ CRPF इसमें बताया हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए कि CAPF में अगर किसी का सबसे तेज़ वैकेंसी और उसका सबसे तेज़ उसका प्रोसेस चलता है काम, तो CRPF का चलता है। काफ़ी ही बेहतरीन इसका प्रोसेस चलता है। 20/6/2023 से जो है आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, और 1/7/2023 से लेके 13/7/2023 तक आपका CBT टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, जो SSC GD में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपका टेस्ट होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से पोस्टों पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं हम। तो इसमें पोस्ट है आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल, इसका 544 जो ITI स्टूडेंट किए हुए हैं 10th के बाद, उन लोगों के लिए बेहतरीन और एकदम सुनहरा मौका है। एकदम CFF में जाने का, CRPF में जाने का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका। इसके लिए क्लास 10th आपका होना चाहिए केवल, और ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं, जो मतलब कि इसमें दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का दिया गया है, फीटर का दिया गया है, ठीक है, इनसे अगर आप किए हुए हैं, कारपेंटर का दिया गया है, प्लम्बर का दिया गया है, तो इन सेक्टर से अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वैकेंसी निकल के आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन, जो काफ़ी लोग इसमें जाना चाहते हैं, वो है ड्राइवर का वैकेंसी। इसमें 2372 ड्राइवर का पोस्ट है, और इसके लिए आपको केवल और केवल 10th पास होना चाहिए और हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको गाड़ी चलाने आना चाहिए। अगर आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका मतलब है कि वो आपको गाड़ी चलाने आता है। चलिए और भी पोस्ट देख लेते हैं। तो ड्राइवर का हम लोग देख चुके हैं, मोटर व्हीकल का देख चुके हैं, अब देखते हैं मोची का 151 है, कारपेंटर का 139 है, जबकि टेलर का 242 है। मोची का 151, अच्छा ये सेम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से देखिए आप लोग, ब्रास बैंड का 172 है, बैंड का 51 है, बिगुलर का 1360, बिगुलर का 1360 है। इसमें आपको एक बिगुल होता है, उसको बजाने आना चाहिए, उसका रख रखाव करने आना चाहिए। तो इस सब पोस्ट पे क्या क्या काम करवाया जाता है, सब पोस्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक दो दिन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि इस वीडियो को बनाया जाए, तो मैं ज़रूर एक दो दिन में डाल दूंगा सारे पोस्ट पे कि किस पोस्ट में क्या आपको काम किया जाएगा, कि क्या करवाया जाएगा इसके बारे में। उसके बाद माली पेंटर का 56 पोस्ट है, देख सकते हैं, देख सबसे बड़ा जो काफ़ी स्टूडेंट इसमें जाना चाहते हैं,
कुक में, ठीक है, वाटर कैरियर में, तो इसका भी वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है, 2475 है, धोबी का 406 है और हेयर ड्रायर का 304 है और सेफ जो मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं उनका 824 है। इसमें बहुत से में एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, जैसे आपका कुक हो गया, आईटीआई हो गया, तो आईटीआई में भी आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा 1 ईयर का और आपका जो रिलेटेड ट्रेड है उससे आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग, ये जो कुछ पद दिखा रहे हो महिलाओं के लिए है, तो जैसे ब्यूलर का है तो महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं 20 पोस्ट है, जबकि सफाई और वाटर कैरियर के लिए 46 है, धोबी के लिए 3 सीट है, हेयर ड्रायर के लिए 1 सीट है, सफाई कर्मचारी के लिए 13 है और ब्रास बैंड के लिए 24 है। कुल जो है देखा जाए महिलाओं के लिए सीट तो 107 सीट है, बाद बाकी जितने जो 9212 में से बची हुई सीटें हैं वो पुरुषों के लिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें आपका हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैटर यहीं पर अटक जाता है कि मेरा तो हाइट ही नहीं है, कितना हाइट वाला भर सकता है, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि किनका कितना हाइट है वो भर सकता है। तो हम अभी इसमें देखेंगे कि किसका कितना हाइट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, आप जो कैटेगोरी है जनरल ओबीसी और एससी उनके लिए 170 पुरुषों के लिए, और जो एसटी कैंडिडेट मेल में है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, केवल एसटी कैंडिडेट को ही इसमें हाइट में छूट दिया जाता है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर सभी कैटेगोरी अदर जितने कैटेगोरी है, केवल एसटी जो ओनली है उन महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि चेस्ट यहाँ देख सकते हैं आप पुरुषों के लिए 80 से 85 है और जो एसटी पुरुष हैं उनके लिए 76 से लेकर 81, महिलाओं का चेस्ट यहाँ पे नहीं देखा जाता है। देख लेते हैं कि इसमें शारीरिक परीक्षा में आपका जो है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पीईटी, इस सब के बारे में, तो अब हम देखते हैं कि इसमें पीईटी के बारे में, ठीक है। तो पीईटी में आपका 24 मिनट में आपका 5 किलोमीटर रनिंग पुरुषों के लिए है जो एसएससी जीडी की तरह ही है, महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है, जबकि और में देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 मिनट में 16, जैसे कि कुक हो गया, नाई हो गया, सिपाही हो गया, हेयर हो गया, धोबी, इन लोगों के लिए है जो इन ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका देख सकते हैं आप 10 मिनट में 1600 मीटर पुरुषों को और 12 मिनट में 1600 मीटर महिलाओं को, जो लड़कियाँ हैं उनको मारना है, जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। और हम आगे देखते हैं और चीज़ एप्लीकेशन में, ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं कहां कहां से। तो देखिए सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षा जिसे रीजनिंग बोला जाता है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और प्रत्येक 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जिसे जीके जीएस कहा जाता है, इससे आपके 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित से 25 और अंग्रेजी और हिंदी से 25। जिस तरह से जो एसएससी जीडी का तो खैर इस बार सिलेबस चेंज हो गया था, लेकिन इसका पिछले साल जैसा ही है, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ आपको 2 घंटा दिया जा रहा है, जी हाँ 2 घंटा, जो एसएससी जीडी में 1.5 घंटा दिया जाता था 100 क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर आपको 2 घंटा दिया जा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए वैकेंसी है एकदम। आप लोग जो है कि गर्दा उड़ा दीजिएगा, जिन लोग जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे थे और उनका थोड़ा सा कम नंबर है, 90 है 80 है 85 है, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो वो इस जॉब को तैयारी करने उनका कंफर्म जॉब हो जाएगा, क्योंकि ये सेम पैटर्न है, आपको थोड़ा सा बस अपने आप को निखारना है और ये जॉब आपके हाथ में होगा। तो देखिए ये सिलेबस था और आगे भी हम और इस पर एक वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग का कॉमेंट आया कि इसमें जैसे कि क्या होता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसा ना हो कि जैसे कि एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है तो हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, तो सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैथ में हमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है। तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा, इस पर वीडियो एक लेकर आ जाऊँगा कि क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं वो भी वीडियो आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी जरा सा भी दिक्कत ना हो।
तो जब वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन लगी है तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, हर नई जो नोटिफिकेशन आती रहती है उसका मिलता रहेगा। और BSF की जो है कि एक और वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में भी हम बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को, अगर आपको ज़रा सा भी कहीं दिक्कत आई है या आप कहीं नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं उसे का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।